नितेश इडुहम में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का मेरा न्यू टॉपिक जो क्या है, बारहवीं की कक्षा का हिंदी है। इससे पहले हम पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो डाल चुके हैं, तो पहले वो पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा। और बारहवीं की कक्षा का हर चैप्टर बाय चैप्टर एक नंबरिया का क्वेश्चन का हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल नितेश इडुहम में बने रहिए और देखिए कितनी आसान से आपको पूरा चैप्टर बाय चैप्टर एक नंबरिया कंप्लीट कराते हैं। तो चलिए मेरे चैनल में बने रहें, देखिए क्या है कक्षा बारहवीं विषय हिंदी है। तो क्या है, पार्ट थ्री वीडियो है। क्या है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश, लेखक कौन थे, संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन थे जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन थे जयप्रकाश नारायण। चलिए फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, सीताबा दियारा गांव में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था। बाउल, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाउल। अपना नोटबुक में नोट करते चलिए, नोटबुक खोल लीजिए और नोट करते चलिए क्वेश्चन बचपन का क्या नाम था, बाउल। फिर अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, जयप्रकाश नारायण जी लोगों के बीच में किस नाम से जाने प्रसिद्ध थे। जयप्रकाश नारायण जी किस नाम से लोगों के बीच में प्रसिद्ध थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकनायक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकनायक। क्या हो जाएगा, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण जी लोगों के बीच किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, लोकनायक। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, जयप्रकाश नारायण जी के माता पिता का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण का माता पिता का नाम क्या था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फूलरानी हर्षदयाल। फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण क्रांति भाषा किसने दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति का भाषा किसने दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नोट करते चलिएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को। फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण का मृत्यु कब हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 को। जयप्रकाश नारायण का मृत्यु कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 को। फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का क्या नाम था। इसका नाम क्या था, प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रभावती देवी। फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण जी ने किस आंदोलन के दौरान शिक्षा छोड़ दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी ने अपना शिक्षा छोड़ दिए। फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, किनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था। इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। किनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण। फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का न्यूनतम कब किया थे, तब 1974 में। जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का न्यूनतम कब किए थे, तो 1974 में। फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, कॉन्स ऑफ इंडिया पॉलिटिक के लेखक कौन है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण जी के 1965 में किसके लिए मैगसेसे सम्मान मिला था। क्या हो जाएगा, समाज सेवा के लिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न का पुरस्कार कब मिला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1998 में।
पूछेगा जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न का पुरस्कार कब मिला था, तो 1998 में। अपना नोटबुक में नोट करते चलिएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण जी को देहांत कहाँ हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी को देहांत कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, पटना में हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी को जी का देहांत कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण क्रांति भाषण कब और कहाँ दिया गया था, संपूर्ण क्रांति भाषण कब और कहाँ दिया गया था, तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का भाषण कब और कहाँ दिया गया था, संपूर्ण क्रांति का भाषण कब और कहाँ दिया गया था, तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण क्रांति भाषण स्वतंत्र पुस्तक के रूप में किस नाम से प्रकाशित किया गया, किस नाम से प्रकाशित किया गया, तो जनमुक्ति। संपूर्ण क्रांति भाषण के स्वतंत्र पुस्तक के रूप में किस नाम से प्रकाशित किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनमुक्ति। फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण क्रांति भाषण में जयप्रकाश नारायण जी ने किस कवि के नाम का उल्लेख किए थे, संपूर्ण क्रांति भाषण में जयप्रकाश नारायण जी ने किस कवि का नाम का उल्लेख किए थे, तो फणीश्वर नाथ और रामधारी सिंह। संपूर्ण क्रांति भाषण में जयप्रकाश नारायण जी ने किस कवि के नाम का उल्लेख किए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रामधारी सिंह। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण क्रांति क्या है, संपूर्ण क्रांति क्या है, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। आपसे पूछेगा संपूर्ण क्रांति क्या है, तो भाषण है क्या। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार कैसी शिक्षा दी जाती थी, जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार कैसी शिक्षा दी जाती थी, जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार कैसी शिक्षा दी जाती थी, तो गुलामी की। क्या है, गुलामी की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया एक्सप्रेस के मालिक का क्या नाम था, क्या था इंडिया एक्सप्रेस का मालिक का नाम क्या था, रामनाथ जी गोपक। क्वेश्चन क्या है, रामधारी सिंह दिनाकर की मृत्यु कैसी हो गई, रामधारी सिंह दिनाकर की मृत्यु कैसी हो गई, तो दिल की दौरा पड़ने पर। रामधारी सिंह दिनाकर का मृत्यु कैसे हो गई, तो रामधारी सिंह दिनाकर का मृत्यु कैसे हो गए, तो क्या, दिल के दौरा पड़ने पर। फिर क्या है, लेनी की मौत कब हुई थी, तो 1924 में।